हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आज सिप्ला क्लास ब्रांड का एक सुमो क्लोथ ड्रायर मंगवाया है अमेज़न से। इसे हर एज के ग्रुप असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग और असेंबली शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलने के बाद हमको एक मैनुअल मिलती है और इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से पीसेस है। इसमें 17 पीसेस है पाइप्स और प्लास्टिक पार्ट्स को मिला के। तो अब चलो इसकी असेंबली करते हैं। वॉक्स को खोलने के बाद हमें ये सारे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो प्लास्टिक पार्ट्स को असेंबल करेंगे, जिसमें बी का स्टिकर लगा हुआ है। ये लेफ्ट और राइट पार्ट्स है। इसमें हम ये चार पाइप्स लगाएंगे जिसमें भी बी का स्टिकर लगा हुआ है। तो अब चलो इसकी असेंबली करते हैं। इसमें ये स्क्रू लगा हुआ है जिसको हम मैन्युअली ओपन कर सकते हैं बिना किसी स्क्रू ड्राइवर के। तो अब हम इसको इस प्लास्टिक पार्ट में लगाते हैं। तो ये पार्ट हमारा अलग हो गया है। अब इससे हम इसका नट लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैन्युअली हो रहा है, कोई स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है और इजीली हम इसको असेंबल कर सकते हैं। जैसे हमने इन पाइप्स को इस पार्ट में फिट किया है, हम उसी सेम प्रोसेस से इन इस एंड को इन प्लास्टिक पार्ट के साथ फिट करेंगे। तो अब हमारा बी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दो पाइप के पेयर्स को असेंबल करेंगे, जिनमें नंबर लिखा है 2, 4, 1, 3। और हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ये नंबर्स एक दूसरे के आमने सामने हो। अब हमारे पास चार पाइप्स है जिनमें एल्बोस लगी हुई है और इनमें नंबर्स लिखा है 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम 3 नंबर वाले एल्बो वाले पाइप को 3 नंबर वाले पाइप के सेट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले एल्बो वाले नट को खोलेंगे और इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब हम इस एल्बो को इसके नट के साथ फिट करेंगे। तो अब हम वही सेम प्रोसेस से दूसरे एंड को भी ज्वाइन करेंगे। तो जैसे हमने 3 नंबर वाले एल्बो पाइप को 3 नंबर के पाइप के सेट के साथ ज्वाइन किया था, वैसे ही हम 1 नंबर वाले एल्बो पाइप को 1 नंबर के पाइप के सेट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम वही सेम प्रोसेस इसी साइड में रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें 4 नंबर वाले एल्बो वाले पाइप को उस 4 नंबर वाले पाइप के सेट के साथ ज्वाइन करना है। तो अब हम 2nd नंबर वाले एल्बो वाले पाइप को 2nd नंबर वाले पाइप के साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम 2nd नंबर वाले पाइप के दूसरे एंड के एल्बो को निकालकर 2nd नंबर वाले पाइप के साथ ज्वाइन ही करेंगे, क्योंकि हमें इस एल्बो को उस फ्रेम के साथ अटैच करना है जिसे हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था। अब हमने जो एल्बो निकाली थी उस एल्बो को हम फिट करेंगे। तो हम इसे इस तरह उठाएंगे और ये इजीली लॉक हो जाता है। खड़े होने के बाद हमारा क्लॉथ ड्रायर इस तरह दिखता है। तो अब हमारे पास
5 ए अल्फाबेट वाले पाइप्स है, इन स्क्रू को खोल के हम स्कैन लगाएंगे। और अब फिर इस खुले हुए स्क्रू को हम इससे वापस से टाइट कर देंगे। इसी तरह सारे ए वाले पाइप्स को हम बाकी प्लास्टिक पार्ट्स के साथ जॉइन करेंगे। तो अब हमारा सुमो क्लॉथ ड्रायर तैयार हो चुका है। काम होने के बाद हम इसके लॉक्स को खोलकर वापस फोल्ड कर सकते हैं।